राजनीति करने की नहीं है, इसलिए आप लोग राजनीति से दूर रहकर, अब अगर राजनीति करते भी हैं तो सकारात्मक राजनीति कीजिए। कई बार विद्यार्थी आते हैं कि सर ऐसा काम नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि भैया तुम्हारा उग्र आंदोलन मैं देख ही लेता हूँ कैसा होता, लेकिन हमारे ही बच्चे हैं वे, है कि नहीं? तो बच्चे तो हट करते ही हैं, माता पिता तो सुनते ही हैं उनको लाड प्यार से। तो इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति कीजिए तो सकारात्मक कीजिए, भरसक उससे अपने आप को दूर रखिए। और सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने शिक्षक दिवस इसलिए नहीं शिक्षकों को समर्पित किया कि आप एक दिन खूब उनका सम्मान कीजिए, नारियल दीजिए, गुलदस्ता दीजिए, फोटो खींचिए, है कि नहीं, और बाकी दिन हम शिक्षक के प्रति कोई ध्यान नहीं रखे। पहले से शिक्षक क्लास में आके मौजूद है, हम बहुत देर से आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षक बोल रहे हैं कि आज कोई कार्यक्रम है यहाँ, तुम लोगों सबको सुनना है, अब आदमी वहाँ से भाग गया। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी विद्यार्थी हैं प्रतिदिन शिक्षक दिवस मनाइए और प्रतिदिन आत्मीयता के साथ शिक्षक को सम्मान दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा होगी वही आदमी ज्ञान लाभ कर सकता है। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जितने भी आयोजक हैं और जो जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया है, कितने दिनों से उनके मन में एक कल्पना चल रही होगी कि हमें इस तरह से शिक्षक दिवस आयोजित करना। और कई बार तो विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को बोलना पड़ता है बच्चों को कि तुम लोग कुछ आयोजन करो यार, उस दिन कैसे नहीं कर रहे। लेकिन यह इस महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं और वह आयोजन निरंतर जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि इसके लिए किसी से दबाव देकर के आपको चंदा वसूली नहीं करनी है। श्रद्धा के साथ आदमी जो सहयोग करता है नहीं, आप एक चंदन लगा देते हैं, शिक्षक का बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। तो इस तरह से मुझे तब और अच्छा लगता है जब आसपास के महाविद्यालयों को छोड़कर और छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं और मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे पास में तो वहाँ महाविद्यालय है, यहाँ क्यों आते हो? तो वे बोलते हैं कि सर यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। वे बोलते हैं कि यहाँ तो सर प्रिंसिपल भी क्लास लेते हैं। वे बोलते हैं कि यहाँ तो हमारे जो शिक्षक हैं वे अभिभावक के रूप में भी रहते हैं और हमको गाइड करते रहते हैं। यहाँ प्रतियोगिता की अलग से पढ़ाई होती है, प्रतियोगिता के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ समय से पहले बच्चों को लाइब्रेरी से पुस्तकें दी जाती है। तो ये सारी बातें सुनकर मन बहुत गदगद हो जाता है। और जब नैक मूल्यांकन के लिए नेशनल लेवल की टीम जब यहाँ आई, चेयरमैन और एक मैडम, हैदराबाद से एक सर, सब लोग आए और यहाँ के बच्चों में अनुशासन देखकर, यहाँ के शिक्षकों की तत्परता को देखकर काफी प्रभावित हुए। और इस महाविद्यालय को जो इतना दूरस्थ क्षेत्र में है और आदिवासी क्षेत्र के ज्यादा छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं, उनको बी ग्रेड मिला और उसमें भी अच्छा नंबर मिला। जबकि बड़े बड़े महाविद्यालयों में हमसे ज्यादा शिक्षक हैं, ज्यादा योग्य लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको जितना नंबर मिला है उससे कई महाविद्यालयों को कम नंबर मिले। तो हम लोग जो है जो कुछ करते हैं किसके बल पर करते हैं? खूब बड़ा गार्डन हो, बाग बगीचा हो और वहां फूल ही बढ़िया नहीं खिला हुआ रहे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। उसी तरह से हमारा जो ये बगीचा है, यह जो महाविद्यालय है, आप लोग उसके खूबसूरत सुगंधमय रंग बिरंगे फूल हैं, तो आप लोग आपस में भाई और बहन की तरह रहे,
अपने चरित्र निर्माण पर आप लोग हमेशा ध्यान दें, क्योंकि यह जो उम्र होती है उस उम्र में बहुत से बच्चे फिसलने लगते हैं, उसकी बात में आकर रास्ता से भटक जाते हैं। तो आपको रास्ता से भटकना नहीं है, अपने चरित्र को दृढ़ता देनी है। और यही सबसे बड़ी राधा कृष्णन की जयंती होगी कि एक ऐसे सादगी पूर्ण महापुरुष जो शिक्षक से राष्ट्रपति तक गए लेकिन अपने शिक्षकत्व को भूल नहीं पाए। तो हमारे यहाँ भी जब अच्छे अच्छे सर्वपल्ली राधा कृष्णन की सोच के आधार वाले शिक्षक आएंगे तो निश्चित रूप से भारत का और भी कायाकल्प हो जाएगा। और हम जो विकासशील राष्ट्र की गिनती में आ रहे हैं तो हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, और इसके लिए आपकी भी भूमिका होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पूरा पहाड़ अपने सर पर मत उठाइए, लेकिन आपसे जितना बनता है उतना काम आप जरूर कीजिए। अभी देखिए, ये सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर माह को राजभाषा मास कहा गया है। कुछ दिन पहले हमने प्रेमचंद की जयंती मनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई, और अभी हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाएंगे। और हिंदी दिवस के अवसर पर एक सप्ताह का हमारा भाषाई दक्षता से संबंधित हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर भाषा, इन पर एक ट्रेनिंग होगी बच्चों की। तो जो जो बच्चे उसमें भाग लेना चाहेंगे हम नोटिस निकालेंगे, आप लोग उसमें जुड़ेंगे। पढ़ाई के बाद, कक्षा के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा का स्पेशल क्लास होगा, उसमें अलग से आपको कोई फी नहीं लगेगी, लेकिन उसकी परीक्षा होगी, और जो परीक्षा में पास करेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, अनुशासन बनाए रखें, चरित्र निर्माण के प्रति प्रेरित रहें, माता पिता को आदर सत्कार करते रहें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहें, महाविद्यालय को गौरवान्वित करने के लिए सोचते रहें, और गलत सलत राय देने वाले चाहे जो भी व्यक्ति हो, नहीं, विभीषण को तो रावण अपना सगा भाई था लेकिन गलत राय दे रहा था, नहीं मानना। तो इसलिए गलत राय हमको नहीं माननी है, सात्विक राय अच्छे विचार के साथ हमको आगे बढ़ना। तो मैं बार बार आप लोगों को यह कहते रहता हूँ कि प्रभु जिसने ये हृदय सोनित दिया है, जिसने हरा मुझको प्रभु फिर से किया है, न कुम्हलाए प्रभु यह बाग मेरा, रहे सुख शांति का इसमें बसेरा। ठीक है, सुख और शांति इस महाविद्यालय में बरसती रहे, और आप लोग सब नया नया कीर्तिमान स्थापित करते रहें। और आज का शिक्षक दिवस निश्चित रूप से पूर्व में जितने आयोजन किए गए हैं उसमें कई मामले में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी आयोजनकर्ताओं को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि उनमें इसी प्रकार की सकारात्मक भावनाएं बनी रहें। और फर्स्ट ईयर के भी जो बच्चे हैं, अब अपने को नया नहीं समझें बल्कि यहीं के वे सदस्य बन गए। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जो विद्यार्थी हैं वे तो पहले से हैं, इसलिए आप ही लोग जब अच्छा करते हैं तो हम लोग का नाम ऊँचा होता है, हम लोग गौरवान्वित होते हैं। इसी तरह से आप आगे भी अच्छा करते रहें, ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक साधुवाद देता हूं। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा देश की इज्जत, आप लोग बोलेंगे नौजवान, देश की ताकत नौजवान, और देश की दौलत नौजवान, और लास्ट में अंत में मैं बोलूंगा एक बार नौजवान, तो आप लोग हाथ उठाकर 3 बार बोलेंगे नौजवान नौजवान। देश की इज्जत, आवाज नौजवान की तरह नहीं आ रही, यहां से लेकर पीछे तक एकदम बुलंद आवाज आनी चाहिए।
और भले छात्रों की संख्या कुछ कम है लेकिन आवाज ऐसी लगे कि हम कंफ्यूज हो जाए कि ज्यादा आवाज किधर से आ रही। देश की इज्जत, देश की ताकत, देश की दौलत, नौजवान, 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 जय हिंद, जय हिंद।